वेलकम टू पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। ये 5.2 जो है ना बहुत ही बेसिक है हमारा डिफरेंशिएशन का, तो प्लीज़ आप लोग पहले बात को ध्यान से सुनिए। देखिए जब हम लोग कैलकुलस शुरू करते हैं चैप्टर 5, तो उसमें 5.1 में आता है लिमिट, जो कि लिमिट से आपका क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में, बहुत कम मार्क्स का जो आता है ना वो डिफरेंशिएशन से आता है। डिफरेंशिएशन कहाँ शुरू होता है? 5.2 से। तो 5.2, 3, 4 जो है ये पूरा का पूरा बेसिक है। यदि बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर आप लोग गर्दा उड़ा दोगे आगे चल करके। इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आपका कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन का चैप्टर है वो सारे आप लोग का बहुत ही अच्छे से कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा। ये वीडियो 1 आवर्स का तो होगा ही होगा। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग को ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप लोग का कुछ फार्मूला है इसके पैटर्न पर। ऐसे हम पहले भी फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक फार्मूला का आज भी आप लोग को थोड़ा एक बार याद दिला देते हैं और बताएँगे पहले फार्मूला, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट हमारे सोच रहे हैं कि पहले हम एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली को ही सॉल्व करेंगे, तो आप लोग वीडियो के स्किप करके देख लो, लेकिन हम फार्मूला कहेंगे, याद कर लोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले फार्मूला। ठीक है, इसमें कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे उनको देखते हैं। स्टार्ट हो जाइए। नंबर 1 पर आता है साइन एक्स का डिफ्रेंसिएसन। इसको लिखने का तरीका होता है डी साइन एक्स बाई डी एक्स। देखिए साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का फार्मूला क्या होगा? कॉस एक्स होगा, याद रखेंगे ना, साइन एक्स का फार्मूला कॉस एक्स। दूसरा कॉस एक्स का फार्मूला, कोई आपसे पूछे कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो क्या बताइएगा? माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तीसरा डी टेन एक्स, कोई टेन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या बताइएगा? टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 4 नंबर पे डी सेक एक्स। सेक एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। ठीक है, 5वां डी और सेक के बाद कॉस एक, कॉस एक्स एक्स, इसका जो होता है ये होता है माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और 6 नंबर पर ये जो है कॉट का डी कॉट एक्स डी एक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 6 फार्मूला तो आप लोग को हर जगह यूज है, इस प्रश्नावली में तो बहुत ज़्यादा यूज है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से सारे फार्मूला याद कर लीजिए। हाँ, एक और तरीका बताते हैं याद करने का ट्रिक। देखिए किसी किसी में माइनस लग जा रहा है, तो माइनस में भी कन्फ्यूजन में पड़ रहे थे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, तो उसका ट्रिक याद करने का है कि जिसका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा और यदि वो सी से शुरू हो, किससे शुरू हो? सी से, तो समझ जाना कि उसका जो आंसर होगा, जो उसका फॉर्मूला होगा वो माइनस में ही होगा। जैसे देखो कॉस एक्स है सी से स्टार्ट है तो माइनस में, साइन सी से स्टार्ट है नहीं है तो देखो प्लस में हुआ है। चेक करो, टी सी से नहीं स्टार्ट है तो प्लस में, सेक सी से स्टार्ट नहीं है तो प्लस में, कॉस एक्स सी से स्टार्ट है तो माइनस में, कॉट सी से स्टार्ट है तो माइनस में। तो माइनस में कौन कौन होगा? जिसका फार्मूला पूछा जाता है और वो सी से शुरू हो तो उसका फार्मूला होता है माइनस में, याद रहेगा। अभी तो ये इतना फार्मूला हुआ, इसमें और है, आगे बढ़िए। 7 नंबर फार्मूला है कि डी ई के पावर एक्स का फार्मूला क्या होगा। याद रखिएगा कि ई के पावर एक्स का फार्मूला ई के पावर एक्स ही होता है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में कि डी लॉग एक्स का फार्मूला, कहीं पर लॉग एक्स आ जाएगा तो उसका फार्मूला क्या होगा।
उसका फॉर्मूला होता है 1/x, लॉग एक्स का फॉर्मूला 1/x होगा। ठीक है, 9 नंबर में आ जाइए कि डी, यदि आप लोग का कोई कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब के का जो मतलब है कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब भी एक कांस्टेंट रहेगा कितना भी बड़ा हो, उसका अवकलन करना रहेगा, उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला, एक्स के पावर एन बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है जो पावर रहता है ना वो पहले लग जाता है, जो एक्स है ना वो बाद में, और फिर जो एन है ना उसमें से एक माइनस कर देते हैं, यानी एन एक्स एन माइनस वन हो जाता है। याद रखेंगे फॉर्मूला, नहीं भूलेंगे ना कभी भी, याद रखिएगा। ठीक है, तो 10 फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आप लोग के ही मर्जी से स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज। ठीक है, आइए, क्या बोला है आपका प्रश्नावली में देखिए, 5.2 में प्रश्न 1 से 8 में एक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। आइए हम इसको अवकलन करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन यदि करने आप लोग को आ गया तो समझो कि आप तो बहादुर बन गए, समझ गए ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1, अब बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा नहीं कि फास्ट, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो बिल्कुल स्लो चलेंगे। ऐसा करना है कि एक ही बार में आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते गए अब बाद में आप भी भूल गए, नहीं ऐसा नहीं करना है, एक बार में समझो, टाइम बचाओ। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे पहले कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्यूशन जो दिया रहता है ना उसे लिखते हैं कि माना माना y, मतलब जो दिया रहता है उसको y मान लेते हैं, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका हो गया। हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के, तो यहाँ पर लिखना जरूरी है, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, नंबर काट देता है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, ये वाई है ना, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस साइन का तो डी लगा दी, यानी डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है वो क्या बन रहा है, बेस बन रहा है, ये क्या बन रहा है, बेस बन रहा है। तो हम क्या करेंगे ना कि इसका तो अवकलन करेंगे, और जो बेस बनता है उसको लेकर आ जाएंगे नीचे, उसको लेकर आ जाएंगे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि सर आपको कैसे पता कि इसका अवकलन हो रहा है और इसका बेस बन रहा है, तो 2-4 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप पता चलने लग जाता है। ठीक है, ऐसे भी दिख रहा है कि जो शुरू वाला होता है उसमें डी के साथ है, यानी डी मतलब उसका अवकलन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और जो इसके साथ रहता है ना वो बेस बन जाता है। अब ये जो नीचे है ना इसका भी अवकलन करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, डी लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स। ठीक है, अगले स्टेप में इसको अवकलन करेंगे, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको ज्यों का त्यों रखो, अगले स्टेप में इसको करेंगे डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, ये देखो तो एक बार एक्स स्क्वायर में डी लगाएंगे और एक बार 5 में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है, तो एक बार हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर के साथ अवकलन कर दिया, और बीच में प्लस है तो प्लस, और ये देखो इनटू में है ना तो यहाँ पर ब्रैकेट का साइन डाल देंगे। ठीक है, और एक बार 5 के साथ करेंगे तो डी 5/dx। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया, ये लगाना जरूरी है। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस साइन है ना, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और एक्स के बदले है तो
तो ज्यो का त्यो लिखाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, क्योंकि आपको अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया कि साइन एक्स का जो अवकलन होता है कॉस एक्स होता है, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस फाइव है ना, तो हमने उसको लिख दिया इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो आपको अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था यहाँ पर कि जब एक्स के पावर एन रहता है तो एन एक्स एन माइनस वन आता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स आ गया, यानी जहाँ एन था वहाँ दो है, तो जहाँ एन लिख रहे थे ना वहाँ दो लिखेंगे, जहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, और एन में से घटा रहे थे तो एन का मान दो है ना, तो दो में से एक घटा देंगे, तो देखो तो टू एक्स के पावर वन, यानी पावर मोर कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा, यानी हमारा एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा टू एक्स आएगा प्लस डी फाइव। फाइव क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू का यानी अवकलन करोगे तो उसका मान जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आ गया, ये टू एक्स और जीरो जोड़ोगे तो टू एक्स होगा, टू एक्स में इससे गुना कर देंगे तो यह आ जाएगा टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव आपका आंसर, ये कंप्लीट आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दो, ये क्या है कॉस साइन एक्स है, क्या है कॉस साइन एक्स है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, इस क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ एक बात और इम्पॉर्टेंट सूचना कि जो लोग मेंबरशिप में ज्वाइन होना चाहते हैं मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जाना है प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाकर के कार्ब अकाडमी ऐप का नाम है, उसको डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, डाउनलोड करके जाकर के अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं आपको करने आ रहा है तो चुपचाप, आप लोग को यदि फुल कोर्स पढ़ना है मात्र 499 रुपये में, पूरा एक चैप्टर से लेकर अनंत चैप्टर तक, साथ में नोट्स, डाउट, लाइव टेस्ट, लाइव क्लास, यदि आपको ये करना है तो आप लोग क्या करना है, इस नंबर पे कॉल करके सर से डिटेल आप पूछ सकते हो, ठीक है 8383896199 पर, यदि आपको लाइव क्लासेस ये सब करना होगा ऐप के थ्रू तो, ठीक है। उसमें टेस्ट सीरीज चलता है, क्यूज चलता है, बहुत सारा फंक्शन है, और साथ में आप लोग ये भी है कि आपके मोबाइल में डाटा नहीं है ना, फिर भी आप हमारा वीडियो देख सकते हो। अब सोचो कैसे वीडियो देख सकते हो, तो उसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना, नहीं तो कार्ब अकाडमी जाकर के प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से कोर्स परचेज करके आप ऐप से जुड़ सकते हो। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल करके बात कर लेना। अब चलो इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना वाई बराबर, ये क्या है कॉस साइन एक्स है, ठीक है, क्या है वाई बराबर कॉस साइन एक्स है, तो हम क्या करेंगे इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए तो क्या होगा, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी कॉस साइन एक्स बाई। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉस है इसमें डी लगा है, यानी कॉस का डिफरेंशिएशन हो रहा है लेकिन साइन का नहीं हो रहा है, साइन हमारा बेस बन रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको नीचे लेकर आएंगे, ठीक है डी साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे इस बेस को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब देखो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन होता है, तो कॉस का यहाँ लिख दो माइनस साइन, एक्स के बदले साइन एक्स है इसको ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, इंटू साइन का क्या होता है कॉस एक्स, ये हमने लिख दिया। अब चलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इनको मल्टीपल कर देंगे इनके साथ तो बात तो सेम ही है, इतना ही आपका आंसर होगा, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है इंटू कॉस एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर टू भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री क्या है, हाँ थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है आपको हम बताएंगे,
साइन ए एक्स प्लस बी है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे आने वाले क्वेश्चन 5 में इसका यूज है और वहाँ पर हम उसको डायरेक्ट करवाएंगे। यदि ये बात समझ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को तो वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और 5 जो है लॉन्ग है, जब भी आएगा आपका लॉन्ग में ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना क्योंकि 5 में भी इसका यूज है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे कि माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको x के सापेक्ष, ये बात लिखना जरूरी है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, नहीं तो एग्जामिनर एक नंबर काट देता है। ठीक है, x के सापेक्ष घर पे आप लोग लिखे या ना लिखे लेकिन एग्जाम में जरूर लिखें, अवकलन करने पर। ठीक है, तो ये y है ना, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ठीक है, अब इसमें हम लगाएंगे d, तो क्या होगा, d साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ देखो ये जो ए एक्स प्लस बी है ये बेस बनेगा और जो साइन है इसका डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, तो बेस को उठाकर लाएंगे नीचे, तो d ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे और ब्रैकेट पर लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर आते हैं, तो d ए एक्स प्लस बी बाई हो जाएगा dx। ठीक है, अगले स्टेप में इसको अलग अलग अवकलन कर देंगे। आइए लिखेंगे dy बाई dx बराबर, अब ये साइन इसको पहले ज्यों का त्यों लिखो, अगले स्टेप में इसको अवकलन किया जाएगा, तो d साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी ए एक्स प्लस बी। ओके, अब यहाँ देखो तो इसमें लगाएंगे d, तो ये जो होता है ना कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है, तो देखो वेरिएबल x है और एक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल साथ में आता है ना अवकलन करते समय, तो कॉन्स्टेंट वाले को बाहर कर देता है और वेरिएबल को डिफ्रेंसिएशन, ये कॉन्स्टेंट है ना इसको मैंने बाहर कर दिया और ये x वेरिएबल है, तो dx बाई dx। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कॉन्स्टेंट रहेगा तो उसका जीरो हो जाता है, तो कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में रहेगा तब कॉन्स्टेंट को बाहर, अकेले आएगा तो उसको जीरो कर दिया जाएगा, प्लस देखो b कॉन्स्टेंट आ ही गया तो इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अवकलन कर देंगे और अगले स्टेप में इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जो कि आपको पहले बताए हैं। तो यहाँ से dy बाई dx बराबर साइन का क्या होगा, cos, और x की जगह तो एक प्लस बी है तो x प्लस बी लिख दिया, इंटू a का a dx बाई dx 1 और b कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू 0। अब देखो dy बाई dx बराबर, अब ये है cos ए एक्स प्लस बी, ए इंटू ए, ए इंटू वन ए आ जीरो, यही होगा। अब इसको गुना कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो देखो मेरे भाई जब हम अगले क्वेश्चन 5 में साइन एक्स प्लस बी आएगा ना उसका अवकलन ना करके डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे, तो आप समझ जाना कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा इतने पेज में। चलो एक बात बताओ कि आप लोगों को अभी तक के चैप्टर 5 पढ़ रहे हो, इससे पहले में जो भी आप पढ़े हो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा लगा, या कौन सा प्रश्नावली आपको लग रहा है कि हमें समझ में नहीं आता है। यदि ऐसा होगा ना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर ये वाला टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार फिर से पढ़ा दो तो उसका हम वीडियो अपलोड कर देंगे। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि पीछे का भूलना नहीं है, उसको ताज़ा रखना है, नहीं ताज़ा रहेगा तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे को ज़रूर बताना कि सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन आप लोग का कौन सा एक्सरसाइज, प्रश्नावली, टॉपिक, चैप्टर कौन सा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बता दोगे ना, क्योंकि देखो हमें पता रहेगा तभी तो फिर से पढ़ाएंगे, अपलोड करेंगे वीडियो,
आप लोग कमेंट करो, जो प्रॉब्लम होती है कमेंट करके बताया करो, तभी हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में सोचेंगे या हमारे बच्चे को क्या दिक्कत हो रहा है सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये सब बातें बताया करो मेरे से, ठीक है ना। ये देखो जैसे हम चैप्टर 5.2 पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई आपको कठिन लगता है, कोई लगता है कि फार्मूला याद नहीं हो रहा है, कोई और ट्रिक बताओ, तो हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक की बात हो रही होगी, ट्रिक की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक ही जानेंगे। ट्रिक जानने से क्या होता है कि जल्दी जल्दी याद हो जाता है, ये सब बातें होती रहती है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ठीक है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है कि sec tan रूट एक्स, आपका क्वेश्चन है, इसे अवकलन करना है, ध्यान देना। सबसे पहले माना y बराबर sec tan रूट एक्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको पहले लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y है ना, ये हो जाएगा dy by dx, इसमें d लगाएंगे तो d sec tan रूट एक्स। अब यहाँ देखो ये जो sec में तो हो रहा है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन tan रूट एक्स बेस बन रहा है, इसको लाएंगे नीचे तो tan रूट एक्स हो गया। फिर इसको अवकलन करेंगे, d लगाएंगे तो d tan रूट एक्स हो गया। अब यहाँ देखो रूट एक्स यानी tan का तो अवकलन हो रहा है, लेकिन ए रूट एक्स का नहीं हो रहा है, तो इसको उठाकर लाएंगे नीचे तो d रूट एक्स, फिर इसको अवकलन कर देंगे तो d रूट एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना नेक्स्ट स्टेप में, dy वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका अवकलन करना है तो sec x, x के बदले क्या है tan रूट एक्स है, और आपको पता है कहाँ पर, यहाँ पर कि sec x का जो फार्मूला होता है sec x इंटू tan x होता है, sec x इंटू tan x, और इस x के जगह जानते हो यहाँ पर क्या है tan रूट एक्स है, बार बार tan रूट tan x आएगा। देखो ये कैसे, हमें पता है कि sec x का फार्मूला sec x होता है, और x के बदले tan रूट एक्स है ना, तो लिखेंगे tan रूट एक्स। sec x का फार्मूला sec x इंटू tan x होता है ना, तो tan का tan, और x के बदले tan रूट एक्स है तो बार बार लिखेंगे tan रूट एक्स। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं सारे कैसे लिखा जा रहा है, तो इसीलिए हम तोड़ तोड़ कर बता दिए, ठीक है। इंटू tan x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, देख लो tan x का sec स्क्वायर x, यहाँ पर क्या है tan रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा। इंटू रूट एक्स, देखो याद रखिएगा एक भी फॉर्मूला छूट गया है कि d रूट एक्स का अवकलन, ये डायरेक्ट होता है 1 बाई टू रूट एक्स होता है, याद रखिएगा। तो रूट एक्स है ना, तो 1 बाई टू रूट एक्स हो गया, फार्मूला हमने लिख दिया। अब चलो अब dy वाई बाई डी एक्स बराबर, ऊपर के सब गुना कर दो तो क्या होगा sec tan रूट एक्स इंटू tan tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट एक्स, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए, ये हो आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है इसी के साथ। अब हम 5 के तरह चलते हैं, 5 क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 5 इस पे नहीं, दूसरा पेज पर बनाएंगे, तो अच्छा पेज पर, क्योंकि 5 जो है लॉन्ग है और आपके एग्जाम में आएगा लॉन्ग में ही, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, इसमें 5, 6 दो ही क्वेश्चन ही अच्छा है, बाकी तो ऐसे ही हलवा है, ठीक है। 5 है साइन, बिल्कुल इसको धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है ना, आप लोग आराम से देखिएगा और समझिएगा, बहुत कम बच्चे को समझ में आता है क्वेश्चन, लेकिन हम बता देंगे तो कभी भूलोगे नहीं। सी एक्स प्लस बी, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसे वाई मान लेंगे। माना वाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को u, नीचे वाले को भी u इंटू वी का फॉर्मूला सबको याद है ना। चलो क्या करते हैं, भी को पहले बाहर, पहले तो लिखेंगे यहाँ पर कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसको भूलना नहीं है लिखने में। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर ये u इंटू वी का, तो v को पहले बाहर करते हैं तो v है cos सी एक्स प्लस डी, फिर u में लगाएंगे d तो d साइन ए एक्स प्लस बी बाई हो जाएगा dx, माइनस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, u को बाहर तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसमें d लगाएंगे तो डी कॉस सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स, अब बटे क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, भी का मान क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलो नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बिल्कुल धीरे धीरे चलने का, कछुए के चाल में चलना है, खरगोश के चाल में चलोगे भूल जाओगे। ठीक है, क्या है cos सी एक्स प्लस डी, इसको लिखो, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि एक ही बार में एक ही पेज में अट जाए, ये हो गया। अब मेरे भाई देखो sin ax प्लस बी, ये सेम क्वेश्चन मिला था, देखो कहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, sin ax प्लस बी आपको पहले भी सूचना दिए थे कि जब ये आएगा ना उसका डायरेक्ट मान लिख देंगे, जो कि आप लोग को बनाने आ रहा है। अब मान लो कि साइन एक्स प्लस बी आया है, इसको हम बनाने लग जाएंगे तो बहुत सारा पेज बर्बाद होगा, और हमें पता है इसका मान तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। अब आपको सर जी एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम में रफ में करके डायरेक्ट लिख देना, दिमाग लगाओ, नहीं तो पूरा लिखोगे ना गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान देना। तो साइन एक्स प्लस बी के बदले हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ए कॉस एक्स प्लस बी लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है, आपको भी पता हो गया, आप ए कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप कहोगे सर कॉस सी एक्स प्लस डी है, अब ये कहाँ से पता करोगे, इसको तो बनाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, हम बनाएंगे भी लेकिन दिमाग लगाएंगे, उसको क्या करेंगे रफ में आ जाएंगे, क्योंकि देखो साइन एक्स प्लस बी के जैसा कॉस सी एक्स प्लस डी है, लेकिन हमने इसका मान पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको रफ में लेकर चला जाएंगे, किसको डी कॉस सी एक्स प्लस डी को, इसको अवकलन कर देंगे। ठीक है, आइए तो अवकलन करेंगे तो कैसे होगा, पहले d cos सी एक्स प्लस डी, यहाँ से बेस क्या बन रहा है सी एक्स प्लस डी, इसको उठा कर लाएंगे नीचे, तो हो गया सी एक्स प्लस डी इंटू ब्रैकेट लगा देंगे, इसको करेंगे d सी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। देखो तो cos का क्या हो जाएगा, पहले इसको ज्यों कहते हैं लिखो d cos सी एक्स प्लस डी वाई डी सी एक्स प्लस डी इंटू, इसको अलग अलग करेंगे, सी कॉन्स्टेंट है एक्स वेरिएबल, तो सी को क्या कर देंगे बाहर, तो यहाँ से बच जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी, डी है तो डी तो कॉन्स्टेंट है तो डी डी बाई डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू, यहाँ से सी डी एक्स बाई डी एक्स का वन और ये हो जाएगा जीरो, इसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी। देखो रफ में करके डायरेक्ट उसका मान लिख देंगे, क्या आया इंटू में माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी आया है, और डिवाइड में जो है उसको लिख देंगे, डिवाइड में क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इतना भी कर दोगे तो आपका आंसर हो गया। देखो एक बात और याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है, ठीक है, इसका आंसर कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एक बात बताएं,
आप जाओगे ना बुक में देखने तो उसका आंसर नहीं आ रहा होगा, इतना नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब आगे जो किया गया है त्रिकोणमिति को यूज करके आगे सॉल्व किया गया है। तो अब सोचो कि ये दो आंसर कैसे होते जा रहा है। तो एक मेरा बात याद रखिएगा, एक कहानी है जो कि बहुत सत्य है। आप पढ़ रहे हो कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस शुरू किए हो, इसमें होता है डिफ्रेंसिएशन और एक होता है इंटीग्रेशन, दो चीज़। तो इसका देखो आंसर नहीं होता है। आंसर क्यों नहीं होता है आपको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको जब भी डिफ्रेंसिएशन यानी कैलकुलस का आंसर क्वेश्चन मिलता है, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, तो आपका काम है कि सही से फार्मूला को रखना, सही से स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को सॉल्व करना, सही से जोड़ घटाव करना। आप सही सही करते चले जाओ, आपका आंसर आए चाहे नहीं आए आपका मार्क्स मिलेगा। मार्क्स कब कट जाता है? जब भोंदू यानी गधा टीचर बैठ जाता है एग्जामिनर बन करके चेक करने कॉपी। अब वो क्या होता है देखो, जैसे आपका एग्जाम हुआ, आपने मान लो कि आंसर यहाँ पर दे दिए और उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। देखो मान लो कि आपने इसको बनाया, सही से कैलकुलस का फार्मूला सारे रखा, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सारे स्टेप को सही से आपने बनाया, तो आपका आंसर इतना आया। लेकिन क्या है ना कि एक भोंदू टीचर बैठा रहेगा तो इसको काट देगा। क्यों? क्योंकि अभी इसका आंसर नहीं आ रहा होगा, जाकर बुक में मिला लो। तो भोंदू टीचर क्या करता है कि क्वेश्चन आंसर लेकर के बैठा रहता है, देखा कि हमारे बुक में मतलब एक लिया रहता है ऐसा पेपर, उसमें आंसर लिखा रहता है, देखा है कि हमारे जैसा इसका आंसर आ रहा है तो नंबर देगा, देखा कि तो बिल्कुल नहीं आ रहा है तो काट देगा। लेकिन चलहाँ टीचर रहेगा, वो चेक करता है आपका सोल्यूशन कि क्या क्या बच्चे किया है, उसके अनुसार नंबर देता है। ठीक है, तो नंबर कभी कम आने की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भोंदू टीचर बैठ जाता है, गधा टीचर बैठ जाता है, इसलिए नंबर कम आता है। और कैलकुलस का कोई आंसर नहीं होता है। अभी हम आंसर ला करके भी दिखाएंगे, देखना इसका आंसर ला करके दिखाते हैं आपको, लेकिन कैलकुलस से नहीं, अब त्रिकोणमिति से बना कर दिखाएंगे, इसीलिए कैलकुलस का आंसर नहीं होता है। कैलकुलस का तो काम हो गया, लेकिन त्रिकोणमिति को आगे यूज करके आपके बुक में आंसर कुछ और दे रहा है। तो हम अभी इसको हल करके प्रूफ कर देते हैं, देखो कैसे। मेन लेकिन यहीं तक था, अब हम इसको आंसर के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आंसर के पीछे आपको नहीं भागना है, बस आपको बता दिए, प्रूफ करके दिखा दिए। ठीक है, अभी आंसर लाएंगे तब ना कहेंगे कि सर आप प्रूफ किए, आओ हम दिखाते हैं। इधर रहा पेज भाई, चलो dy बाई डी एक्स बराबर ज्यों का त्यों पहले लिख लो, cos छोटा छोटा लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू ए cos ए एक्स प्लस बी, ए माइनस है और ए माइनस है, दोनों इंटू में है ना, गुना में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटे में क्या है, एक कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में देखो, ये बीच में प्लस है, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर जो है ना, इन दोनों को अलग अलग भाग दे रहा है, तो भाग दे देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी बटे डी कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये डी नहीं है सॉरी, कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलो अगले स्टेप में क्या करते हैं, ध्यान देना, मेन यही है, ऊपर ज्यों का त्यों लिख लो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखो तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर यानी कॉस सी एक्स प्लस डी कितना है, दो है, इसको अलग अलग लिख देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भी अलग अलग लिखेंगे,
तो साइन एक्स प्लस बी इंटू सी साइन सी एक्स प्लस डी, इसको अलग अलग लिखते हैं, तो कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब देखो जो कटेगा उसको कटा देंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो तो क्या क्या कट रहा है, कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, ए तो कट गया ना। अब देखो ऊपर क्या बच गया, ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू नीचे कॉस है ना, आपको याद होगा कि जो कॉस होता है वन बाई कॉस, इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या होता है सेक थीटा, उसी तरह यहाँ कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? प्लस अब देखो यहाँ देखो साइन एक्स प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर एक्स प्लस बी नहीं है बल्कि सब सी एक्स प्लस डी है, तो याद रखो साइन एक्स प्लस बी और कोई है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ देखो साइन सी एक्स प्लस डी और कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, ये सी है ना तो सी को रखेंगे, और साइन बाई कॉस क्या होता है टेन, और दोनों में सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी लिख देंगे। ठीक है, इनटू अब देखो तो ऊपर ये साइन एक्स प्लस बी बचा हुआ है, तो उसको ज्यों कहते हैं लिख देंगे ऊपर ही, जगह नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, एक्स प्लस बी, अब कॉस सी एक्स प्लस डी नीचे है, उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखो तो फाइनल जो हमारा आंसर आया ये आ गया, लिखेंगे कि ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी टेन सी एक्स प्लस डी इंटू साइन एक्स प्लस बी इंटू सेक सी एक्स प्लस डी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो देखो अब जाकर बुक में मिलाओगे तो आंसर आ गया होगा, तो इसीलिए बोलते हैं आंसर के पीछे नहीं भागने का, आप सही से कैलकुलस करो। ठीक है, कैलकुलेशन करो, कैलकुलस तो करना ही है, कैलकुलेशन करो, बाकी आंसर के पीछे भागोगे ना बहुत मार मार आओगे। ठीक है, गधे टीचर के चक्कर में नहीं रहने का, ठीक है ना। हाँ, चलहाक टीचर रहता है तो आपको नंबर दे देता है, ऐसा बात नहीं है, जो जिसको नॉलेज है वो तो देगा ही, तो इसीलिए बोला जाता है नंबर कभी कम आने की रीजन नहीं होती है, गधे टीचर बैठ गए आपको कॉपी चेक करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर छः देखते हैं, मेरे भाई जिनको कोर्स में ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाना, ठीक है, बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, मात्र 499 रुपये अभी फी लग रहा है, जाकर के कार्ब अकाडमी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर परचेज कर लो। नहीं समझ में आ रहा है कैसे परचेज करना है तो वहाँ पर नंबर भी दिया रहता है ऐप पर, वहाँ से आप कॉल करके पूछ लेना। ठीक है, चलो सिक्स है कि कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो माना वाई बराबर कॉस एक्स क्यू इंटू साइन, देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 है ना, इसको यदि अवकलन करोगे तो नहीं हो पाएगा, इसको लिखने का तरीका ऐसे होगा कि साइन एक्स के पावर 5 और इस टोटल के पावर क्या लिखना होगा 2, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष, आपका सर कैसे चेंज कर दिया, तो एक ही बात है दोनों, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये देखो यू और ये है भी, तो यू को बाहर करेंगे ये हो गया कॉस एक्स क्यू, भी को करेंगे अंदर तो डी साइन एक्स के पावर 5 और टोटल का पावर 2। तो देखो पावर का पहले होता है अवकलन,
लेकिन ये जो बन रहा है बेस बन रहा है, इसको उठाकर लाएंगे नीचे, तो डी साइन एक्स के पावर फाइव, फिर इसको अवकलन करेंगे तो डी साइन एक्स के पावर फाइव बाई, अब साइन का अवकलन एक्स के पावर फाइव बेस बन रहा है तो एक्स के पावर फाइव हो गया, डी एक्स के पावर फाइव बाई डी एक्स, ठीक है। बीच में लगता है प्लस, जगह नहीं तो नीचे आ जाते हैं। इस बार भी को बाहर करेंगे तो साइन एक्स के पावर फाइव के पावर टू इंटू डी, इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स क्यू, बेस बनेगा एक्स क्यू, नीचे लाएंगे तो डी एक्स क्यू, फिर इसको अवकलन कर देंगे डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, ठीक है। अब चलो, अब क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक कॉस एक्स क्यू है तो कॉस एक्स क्यू, साइन देखो अब इसका जब अवकलन करेंगे तो पावर है ना, पावर पहले आता है जो एक्स के पावर एन का वो लगता है ना फॉर्मूला, वही लगेगा तो टू पहले फिर साइन एक्स के पावर फाइव होगा, दो में से एक करेंगे तो दो में से एक जाएगा एक, एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना इस बात को क्या हमने किया, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिए, पावर में एन है तो पहले लग गया, एक्स एन माइनस वन होता है तो एक्स की जगह साइन एक्स के पावर फाइव है तो साइन एक्स के पावर फाइव, एन माइनस वन होता है तो टू में से वन जाएगा तो वन लिखने से कोई प्रॉफिट है नहीं, इंटू साइन का क्या होता है कॉस, ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर फाइव, एक्स के पावर फाइव है तो फाइव एक्स के पावर फोर, प्लस ये क्या होगा साइन एक्स के पावर फाइव के पावर टू इंटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स के पावर क्यू, एक्स क्यू है तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब हम क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं, ये पाँच है और दो है तो दस एक्स के पावर फोर, आप इधर लिखो चाहे उधर लिखो, ये कहीं में है क्योंकि मल्टीपल में तो कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। और टू साइन, अब टू कहाँ से, टू तो गुना कर दिए ना, साइन एक्स के पावर फाइव इंटू कॉस एक्स क्यू इंटू कॉस एक्स के पावर फाइव, ये हमने सारा लिख दिया, प्लस अभी देखो साइन एक्स के पावर फाइव के पावर टू है ना, हम यहाँ पर इसके बदले ये लिखे थे तो अब ये जो है ना इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं ताकि ठीक लग जाए, तब उसको हमने चेंज कर दिया कि साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव, ठीक है। इंटू ये माइनस है तो माइनस रहने देते हैं, साइन एक्स क्यू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, अगले स्टेप में इसको सेपरेट कर देता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन एक्स के पावर फोर इंटू साइन एक्स के पावर फाइव इंटू कॉस एक्स के पावर फाइव, क्यू वाला को बाद में लेते हैं तो कॉस एक्स क्यू, ये देखो प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स के पावर फाइव इंटू साइन एक्स क्यू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, कभी कभी थ्री एक्स स्क्वायर पहले भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब तो मल्टीपल में है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना, ये सब बहुत ईजी है बस ध्यान दोगे बन जाएगा। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हुए चलते हैं तो हमको मिलता है सात नंबर प्रश्न, सात नंबर क्या कह रहा है, टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान देना। सबसे पहले माना वाई बराबर टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा y का dy वाई बाई डी एक्स बराबर, अब 2 क्या है कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर कर दिया, इसमें d लगाएंगे तो d रूट अंदर कॉट एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो तो रूट का पहले अवकलन होता है तो रूट का तो यहाँ अवकलन हो रहा है लेकिन अंदर कॉट एक्स स्क्वायर है ना, तो ये बेस बन जाएगा, हमने इसको लाया, फिर इसको करेंगे
तो डी कॉट एक्स स्क्वायर, अब भाई एक्स स्क्वायर बेस बन रहा है उसको लाएंगे नीचे, अब फिर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो गया। अगेन बढ़ते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये टू, रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा वन बाई टू, जो रूट में रहता है उसको लिख दिया जाता है, ये आ गया। अब देखो कॉट एक्स का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा टू एक्स, ये टू टू कैंसिल। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर जो आ गया ऊपर में क्या आया माइनस टू एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे सॉरी बीच में छीक आ गया, ठीक है ये तो सबको आता है, सॉरी क्या बोलने की ज़रूरत है, तो यह है कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है ये आपका आंसर आ गया। लेकिन जाओगे अपने बुक में आंसर मिलाओगे तो आंसर नहीं आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि अब आगे त्रिकोणमिति का यूज किया गया है, तो हम कहेंगे ना कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर आंसर कर लो, कोई काट नहीं सकता, कोई काटता है ना तो मेरा नंबर दे देना या उसका मेरे को नंबर दे देना, फिर हम उससे बात करते हैं, फिर उसको समझाते हैं हम, ठीक है ना। हाँ ये है कि नॉलेज के पर्पज़ से आप इसे और आगे हल करो, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले जाकर के आंसर लाओ, लेकिन आंसर के पीछे भागोगे ना तो सीधा गोली मारेंगे, समझ गए, ऐसा नहीं करने का, ठीक है, तो बस मजाक कर रहे हैं, गोली थोड़ी मारने जाएंगे, तो ऐसा बात है कि आंसर के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, पेशेंस बना करके सही से सही चीज़ों को सीखना चाहिए, ठीक है ना, ये बातें नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि बहुत सारे टीचर को डांटने बोलने लग जाते हैं कि सर आपका आंसर नहीं आ रहा है, सर आपका आंसर नहीं आ रहा है, भाई थोड़ा मेरे तरफ से समझ लो कि ऐसा होता है कंडीशन, जो कि आपको पहले प्रूव करके दिखा दिए हैं। हाँ हम जानते हैं कि इसका भी आंसर नहीं आ रहा, जाकर चेक करो ना नहीं आ रहा है, लेकिन इसको आगे हल कर देंगे ना तो आंसर आ जाएगा, तो हम काहेला टाइम बर्बाद करेंगे, हमारा काम है कैलकुलस यानी डिफ्रेंशिएशन पढ़ने, त्रिकोणमिति के काहेला ज़्यादा यूज करेंगे, हाँ जहाँ जरूरत होगा करेंगे, ज़्यादा कठिन रहेगा उसको छोड़ देंगे, वहाँ पर बना दो कोई नंबर नहीं काट सकता, काटता है तो मेरे को बताना, ठीक है। चलो एट क्वेश्चन देखो, एट क्वेश्चन है कि कॉस रूट एक्स, इसको भी वैसे ही हल करेंगे, माना ये तो बहुत ईजी है, वाई बराबर कॉस रूट एक्स, इसको लिखेंगे, ये सब लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में सब लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें डी लगाएंगे तो डी कॉस रूट एक्स, बेस बन रहा है रूट, इसको लाएंगे नीचे, फिर इसको लेकर आ जाएंगे अवकलन करने, बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस का होता है माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है वन बाई टू रूट एक्स, यानी फाइनल डी वाई बाई डी एक्स का जो आपका आंसर आ गया वो आ गया माइनस साइन रूट एक्स बाई टू रूट एक्स आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन था 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब पार्ट 2 में 9 और 10 देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, ठीक है ना, इसमें कुछ एग्जाम्पल है उसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना, आप ध्यान से करोगे तो बहुत ईजी है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है कोई, ये सब बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन आते रहता है, ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते रहता है, इसको सॉल्व कर दें, कर दें, चलो कोई नहीं कर ही देते हैं, पार्ट टू में हम 9 से 10 को सॉल्व कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पार्ट टू मिलेगा देखने के लिए जब आप मेंबरशिप में ज्वाइन होंगे, डायरेक्ट जाकर कार्वा अकाडमी डाउनलोड करिए और वहाँ से उसको देख लीजिए, ठीक है। आइए उदाहरण नंबर कौन सा 21 है, ये दिया आपका एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या, एफ एक्स दे दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब है कि एफ एक्स का मतलब होता है वाई, क्या होता है वाई, ये दिया है, हम क्या करेंगे
इसे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, कैमरा मेरा चार्ज नहीं है यार, बस वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पर, लास्ट होगा। ठीक है, y का क्या हो जाएगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर, इसमें d लगाएंगे तो d साइन x स्क्वायर बेस बन जाएगा, इसको लाएंगे नीचे और फिर इसको जा करके अवकलन कर देंगे बाई डी एक्स। ये सब तो आप लोग बना लोगे, बस एफ एक्स दिया था ना, सोचे कि आप लोग घबरा जाओगे इसलिए हमने बना दिया। साइन का क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, यानी फाइनल आपका डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर आया टू एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर आ गया। आई होप कि आप लोग को प्रश्नावली 5.2 समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में जितना उसके शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।